Very good morning to all of you, my dear friends, and welcome back to KS Educational. New pattern, high level reasoning questions with set 7. आज हम लोग set 7 पे बात करने वाले हैं और ये नए pattern का आपका question बिल्कुल IBPS clerk mains के लिए ही important नहीं होगा, बल्कि आने वाले हर एक वो mains के exam के लिए काफी important होगा. और जब आप इन सभी question से friendly हो जाते हैं, तो जब आपके exam में mains में ऐसा question देखने के लिए मिलेगा, तो आप वहाँ पर easily इन सभी questions को tackle out कर सकते हैं. तो motto भी मेरा यही है कि मैं आपको इन सभी question से friendly कराते जाऊँ और आपका जितना अधिक practice रहेगा, आपका स्कोर वही इंक्रीज करा सकता है. तो देखिए क्वेश्चन में आपके लिए क्या रखा हूं. सबसे पहले देखिएगा, जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉलर, ठीक है, और वन इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट, एंड द सब्सिक्वेंट नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर. देखिए यहां पर जो आपको एक तरीके से कोड दिया गया है, कोडिंग लैंग्वेज में आपका वन और टू को रिप्रेजेंट किया गया है, जीरो से ही रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट है. आपको पकड़ना यह होगा कि आखिर किस तरीके से यह रिप्रेजेंटेशन रखा गया है. जीरो का तो आपने देख लिया कि डॉलर है, जीरो का आपने देख लिया डॉलर है, वन का आपने देख लिया परसेंट है, लेकिन टू का देखिए, टू का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको दिया गया है परसेंटेज एंड डॉलर. परसेंटेज और डॉलर को कैसे क्रैक किया जाए. देखिए परसेंटेज का वैल्यू आपने देखा तो क्या वन है, और डॉलर का जो वैल्यू है वो जीरो है, मतलब जीरो और वन का वैल्यू है. थ्री में आप देखिए, थ्री इज रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज एंड परसेंटेज, परसेंटेज का वैल्यू वन है, मतलब वन और वन से रिप्रेजेंट किया गया है. तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक किया कि कहीं ना कहीं ये पावर पे है. आखिर आपका क्या ये बाइनरी नंबर पे है, और बाइनरी नंबर को मे बी आपके पावर के फॉर्म में रखा गया होगा. तो चलिए पावर के फॉर्म में, अगर पावर के फॉर्म में रखा गया है तो जीरो, परसेंटेज मतलब क्या हो गया वन, वन हो गया, और डॉलर का मतलब क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है. अब इसको अगर टू टू दी पावर वन कर दिया जाए, ठीक है, टू टू दी पावर वन कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए समझिएगा इस बात को, वन इंटू टू टू दी पावर वन कर दिया जाए तो वैल्यू इसका टू हो जाएगा. और जीरो को एज इट इज जीरो बनाने के लिए हम सब क्या करेंगे, जीरो इंटू टू टू दी पावर जीरो कर दिया जाए, ठीक है. टू टू दी पावर किसी का भी पावर जीरो होने के बाद वैल्यू क्या हो जाता है वन, लेकिन वह जीरो से मल्टीप्लीकेशन है तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगा. और वन इंटू टू टू दी पावर वन इज इक्वल टू व्हाट, टू, तो मतलब फाइनली आपको टू निकल गया. इसी तरीके से थ्री का रिप्रेजेंटेशन है परसेंटेज एंड परसेंटेज, मतलब क्या हो गया ये परसेंटेज मतलब वन हो गया, और वन इंटू टू टू दी पावर वन, और ये चीज आप क्या कर लें कि प्लस कर लें, प्लस करने के बाद वन इंटू टू टू दी पावर जीरो, ठीक है. ये चीज आपका क्या क्लियर हो गया, यहां पर से जब 1 इंटू टू टू दी पावर 1 कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है. 1 इंटू टू टू दी पावर 0 किसी का भी पावर 0 होने पे 0 हो गया, और ये 1 से मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं बल्कि 1 हो गया, और 1 से मल्टीप्लीकेशन है मतलब वैल्यू 1 हो गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 3. इसी तरीके से 4 का रिप्रेजेंटेशन देखिए, परसेंटेज डॉलर डॉलर, परसेंटेज का मतलब आपको पता है 1 है, और 1 इंटू टू टू दी पावर, अगर इसको हम लोगों ने 0 लिया है, इसको 1 लिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू टू टू दी पावर 2 प्लस, अच्छा डॉलर का मतलब आपको डायरेक्टली पता है 0 होता है, और 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन आपको वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा, तो प्लस 0 और प्लस 0, अच्छा ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा यहां से, 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4. तो फाइनली आपको 4 का रिप्रेजेंटेशन समझ गया किस तरीके से है. 5 का रिप्रेजेंटेशन देखिए, 5 आपको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, परसेंटेज, परसेंटेज का वैल्यू मतलब 1 हो गया, 1 इंटू टू टू दी पावर क्या रखेंगे आप, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, 2 टू दी पावर 2 प्लस, ये आपका डॉलर है, डॉलर का वैल्यू 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली 0 आप रख दीजिए, ठीक है, प्लस परसेंटेज, परसेंटेज का वैल्यू मतलब 1 हो गया, 1 इंटू टू टू दी पावर 0 हो गया, समझ गए, ये 0, ये 1, ये 2 हो गया. अब इस चीज का वैल्यू देखें तो यहां से 4 मिल रहा है, और इस चीज का वैल्यू क्या 1 मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू आपको 5 मिल गया. तो समझ गए कि कैसे आपका रिप्रेजेंटेशन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फर्दर आने वाले हर एक लैंग्वेज के लिए, हर एक नंबर्स के लिए आपका इसी तरीके से कोड और डिकोड किया जाएगा. बेस्ड ऑन दिस कोडेड लैंग्वेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और आपको उन सभी क्वेश्चन का आंसर करना है इसी तरीके से कोडेड लैंग्वेज में. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज डॉलर परसेंटेज डॉलर परसेंटेज परसेंटेज, एंड मतलब आपका ये और ये जो दिया हुआ है कोडेड लैंग्वेज में, इन दोनों का आपको सम निकालना है.
ठीक है। इन दोनों का सम कैसे निकालें, सबसे पहले आपको इसको डिकोड करना है, फिर आप इसे डिकोड करेंगे। आपको क्या पता था, देखिए जीरो का मतलब क्या होता है डॉलर, वन का मतलब क्या होता है परसेंट। आप सबसे पहले जहां भी डॉलर है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली वैल्यू आप जीरो पुट सकते हैं। आप जहां भी परसेंटेज, आपको उसको वैल्यू तो निकालना होगा। मतलब देखिए ये पावर जीरो होगा, ये पावर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ये पावर जीरो, ये पावर वन, ये पावर टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, और ये फाइनली आपका फाइव हो जाएगा। मतलब इस परसेंटेज को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, वन इंटू टू टू द पावर फाइव, ये जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, वन इंटू टू टू द पावर थ्री प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज की वैल्यू, वन इंटू टू टू द पावर वन प्लस वन इंटू टू टू द पावर जीरो, ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, टू टू द पावर फोर का वैल्यू क्या हो जाता है, टू टू द पावर थ्री होता है एट, सिक्सटीन, और ये आपका क्या हो जाएगा, थर्टी टू हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये 32 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो आप जब इन सभी का एडिशन कर देंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 11 और 32 मतलब 213, 314, 43, ये वैल्यू आपको मिल गया। इस वैल्यू को चेक कीजिए, सभी में आपको परसेंटेज है, ठीक है। डॉलर का तो कोई बात ही नहीं है, आपको क्या कोई भी चीज को एलिमिनेट नहीं करना है। ये पावर जीरो हो जाएगा, ये पावर वन हो जाएगा, ये पावर टू और ये पावर थ्री हो जाएगा। मतलब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन इंटू टू टू द पावर थ्री प्लस वन इंटू टू टू द पावर टू प्लस वन इंटू टू टू द पावर वन प्लस वन इंटू टू टू द पावर जीरो, ये वैल्यू 8 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 4, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और ये वैल्यू फाइनली 1। अब देखिए 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो फाइनली आपका ये वैल्यू 15 मिल गया। अब यही बोला जा रहा था, फाइंड दिस सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों का सम आप कैसे निकालें, 43 प्लस 15 क्या हो जाएगा आपका ये 538 415, फाइनली आपका पता चल गया क्या आंसर होना चाहिए, वैल्यू 58। तो इन दोनों का जब आप एडिशन कर रहे हैं तो आपको फाइनल वैल्यू जो मिलेगा वो 58। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज 80% ऑफ दिस वैल्यू, 80% जब आप निकाले इस वैल्यू का तो आपको क्या, इन सभी में से क्या वैल्यू मिल रहा है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ये पार जीरो हो जाएगा, ये पार वन हो जाएगा, ये पार टू, ये पार थ्री, ये पार फोर हो जाएगा, फाइव, और ये पार सिक्स हो जाएगा। जितने भी डॉलर है उसको तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, बचा आपके पास परसेंटेज। ये परसेंटेज का वैल्यू क्या करेंगे आप, वन इंटू टू टू द पावर सिक्स प्लस, आपको डायरेक्टली इस पे आ जाना है, आप क्या हो जाएगा, वन इंटू टू टू द पावर फोर प्लस वन इंटू प्लस वन इंटू टू टू द पावर टू, और फिर आप क्या ये चेक करेंगे, प्लस वन इंटू टू टू दी पावर जीरो, ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, टू टू दी फाइव, हम लोगों ने देखा 32 होता है, 32 का ट्वाइस मतलब क्या 64 प्लस टू टू दी पावर फोर है, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका 8, टू टू दी पावर थ्री हम लोगों ने क्या देखा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया आपका 3 प्लस 3, इस चीज का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 2 टू द पावर 4 का आपको वैल्यू पता करना है। जब आप ये करें तो 5 टाइम्स में 32 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 टाइम्स में आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, प्लस आपका क्या है ये वैल्यू 2 टू द पावर 2 मतलब क्या ये वैल्यू 4 मिल जाएगा, और फाइनल ये वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, और 21 जब आप ये करें तो आपको क्या मिल रहा है, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 2 8, 85 आपको वैल्यू मिल गया। अब 80% ऑफ 85 करने के लिए क्या करना है, 80% ऑफ 85 ये चीज आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। अच्छा, 2 4 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 से अगर आप ये देखें तो क्या हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 13, सॉरी 5 1 जा 5, और ये 3 बज रहा है, 5 7 जा 35, 17 हो गया, 17 4 जा व्हाट 68, आपको 68 वैल्यू मिल गया, मतलब 80% ऑफ 85। 68 वैल्यू आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ये चेक आउट करना है। यहां पर देखिए डायरेक्टली क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 का वैल्यू क्या 64 प्लस
ये वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा ये 4, और तो आप जितना भी इसमें डॉलर है ये सभी का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपको लेना ही नहीं है। तो 64 + 4 = 68, आपको इसी वैल्यू का आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 80% ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 68, और 68 आपको ऑप्शन ए से मिल रहा है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, कौन सबसे अधिकतम है, कौन सबसे हाईएस्ट है। ऑप्शन ए के थ्रू जाइए, जितने भी डॉलर का साइन है उसको डायरेक्टली आपको क्या वैल्यू निकालना ही नहीं है, परसेंटेज पे जाइए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 2 to the power 6, 2 to the power 6 का वैल्यू क्या हो गया 64 + 0, 1, 2, मतलब ये 4 हो जाएगा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू की बात करें तो +2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको क्या +1 दे देगा। 4 + 2 = 6 + 1 = 7, 64 + 7 = what 71, आपको वैल्यू पता चल गया। इस पे आ जाइए, 0, 1, 2, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 to the power 2 = 4, फिर आ जाइए 2, 3, 4, 5, 6, मतलब क्या हो जाएगा 64 + 4 = what 68 वैल्यू मिल गया, इससे आपको 68 मिल रहा है। इसकी बात की जाए तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, मतलब ये वैल्यू 8 मिल जाएगा, ये वैल्यू 16, और ये वैल्यू क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। जब आप इन सभी का एडिशन करें तो देखिए क्या आपको 8 + 9, 9 + 6 = 25, 32 + 25 ये वैल्यू आपका रहा है, मतलब 5 to 7 और 3 to 5 57, आपको ये वैल्यू पता चल गया। इसकी बात की जाए तो ये वैल्यू क्या हो रहा है 1 हो रहा है, यहां पर 1, 2, 3, मतलब यह 8 हो रहा है आपका, यहां पर क्या हो रहा है 3, 4, 5, 6, मतलब क्या हो रहा है 64, क्योंकि 6 जो आ रहा है वो 64 क्रिएट करेगा। 64 + 9 क्या हो रहा है आपका 73, तो आपका सबसे हाईएस्ट किस में मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट तो आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है 73 आपका हाईएस्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है जब आपके एग्जाम में कुछ ऐसा कोडिंग और डिकोडिंग पे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं मेरे पास, आने पर मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है वो भी एक तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग पे ही है, और बहुत आजकल मेंस में देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं बताऊं कि आपको इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, रीड दी क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए p at the rate q का मतलब आपको यहां पर बताया गया है p is to the west of q, मतलब एट द रेट का जो मतलब है वो क्या है वेस्ट है। अच्छा वहां पे और कुछ है, P is either 2 or 12 किलोमीटर west of Q। एक बात समझिएगा, इस चीज को समझिएगा, यहां पर P at the rate Q का मतलब क्या है, P is to the west of Q, मतलब आपको Q के रिस्पेक्ट में लेना है P का डायरेक्शन, और वो भी क्या वेस्ट में लेना है जब at the rate की वैल्यू होगी, और यहां पर जो डायरेक्शन जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच का होगा वो या तो आपका 2 होगा या तो आपका 12 होगा। इसी तरीके से हैशटैग में जाइए, हैशटैग का मतलब आपको क्या ईस्ट बताया जा रहा है, जो वैल्यू होगा 2 या 12 होगा, मतलब क्या क्यू के रिस्पेक्ट में पी होगा, और जब हैशटैग होगा तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा यहां पर ईस्ट मिलेगा। डॉलर पे जाइए, डॉलर मतलब क्या हो गया पी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, मतलब क्यू के रिस्पेक्ट में पी का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ साइड पे होगा, और जो डिस्टेंस होगा वह या तो 5 होगा या तो 9 किलोमीटर होगा। अगर ये चीज एंड में है तो एंड का वैल्यू मतलब क्या हो रहा है साउथ हो रहा है, क्यू के रिस्पेक्ट में पी का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ डायरेक्शन पे होगा, डिस्टेंस या तो 5 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए एक चीज और है कि पी एट द रेट डॉलर क्यू, मतलब क्या हो रहा है कि जब दो साइन दिया गया है तो आपका यहां नॉर्थ वेस्ट लिया गया, नॉर्थ वेस्ट कैसे लिया गया है, एट द रेट का मतलब क्या देखा आपने वेस्ट पे हो रहा है, और जो डॉलर का मतलब था वो क्या हो रहा है नॉर्थ हो रहा है, मतलब नॉर्थ और वेस्ट मिलकर को नॉर्थ वेस्ट आपका बनाएगा, और यही चीज है कि जब आपका ऐसा साइन रहेगा ठीक है तो आपको नॉर्थ वेस्ट लेना है। अच्छा जब आपका नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट या किसी भी तरीके से साउथ ईस्ट या साउथ जिस भी डायरेक्शन का बात किया जाएगा उसमें आपको नोट में दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज नॉट नोन, ठीक है डिस्टेंस आपको पता नहीं है। जब स्टार की बात होगी तो पी टू दी साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, अगर स्टार दे दिया गया है तो ये साउथ ईस्ट ऑफ क्यू हो जाएगा,
ठीक है। और इसमें भी आपको बताया गया है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज नॉट नॉन, ठीक है, डिस्टेंस आप लोगों को पता नहीं है। अब आ जाइए इसके बेसिस पे भी आपके पास जो क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एस एट द रेट डॉलर, टी एट द रेट जेड, एक्स एट एक्स एंड जेड, ठीक है, वहां पर एक्स इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, कैसे इसे निकालिएगा। निकालने के लिए सबसे पहले देखिए जो डायरेक्शन आपका होगा वो क्या टी के रिस्पेक्ट में एस का डायरेक्शन होगा और क्या एट द रेट है और डॉलर है। एट द रेट और डॉलर का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब वेस्ट है और डॉलर का मतलब नॉर्थ है, मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट मतलब देखिए टी सपोज आपका कहां इसी पोजिशन पे टी है, यहां से नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू एस हो जाएगा। आगे जो दिया गया आपको टी एट द रेट जेड, एट द रेट का मतलब क्या देखा आपने, एट द रेट का मतलब वेस्ट हो रहा था और जब वेस्ट है तो जेड के रिस्पेक्ट में टी का पोजिशन या टी का डायरेक्शन होगा वह वेस्ट हो रहा है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि जब भी बनेगा जो जेड का पोजिशन वो यहां होगा तभी आप क्या बता सकते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस आपको अभी मालूम नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं कि जेड के रिस्पेक्ट में टी का पोजीशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ये भी बताया गया था कि एट द रेट का मतलब या तो 12 होगा या तो 12 होगा, तो ये वैल्यू क्या, या तो 2 हो सकता है या तो 12 हो सकता है, और ये जो वैल्यू है आपका किलोमीटर में है। इसी तरीके से देखिए आ जाइए एक्स एंड जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में एक्स का पोजीशन एंड में और एंड के लिए आपका क्या डिकोड है, एंड के लिए जो आपका था वो साउथ पोजीशन दिया गया था, साउथ पोजीशन है मतलब जेड के रिस्पेक्ट में एक्स का जो पोजीशन बनेगा वो साउथ बनेगा, मतलब क्या आप बना सकते हैं, ये गलती हो गया, आप समझिए कि यहां पर होगा एग्जैक्टली ये जो एक्स का पोजीशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा यहां पर, ठीक है। और ये भी आपको क्या बताया गया था, 5 या 9 है, ठीक है, या तो 5 किलोमीटर होगा या तो फिर 9 किलोमीटर होगा। अब आगे जो सवाल है इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, एक्स का जो डायरेक्शन बनेगा एक्स एस के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में एक्स का डायरेक्शन क्या बन रहा है, आप समझिए कि आपका डायरेक्शन तो कुछ और नहीं बल्कि ये बन रहा है, और ये मतलब क्या हो गया आपका, साउथ ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, समझ गए, साउथ ईस्ट आपका यहां पर सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बताया जा रहा है कि इसी तरीके से आपको दिया गया है टोटल 3 पोर्शंस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए आपको पहले यह सॉल्व करना होगा। अब देखिए एस का जो पोजिशन बनेगा वो टी के रिस्पेक्ट में दिया गया है एंड और क्या हैशटैग, एंड में तो हम लोगों ने देखा नॉर्थ का पोजिशन बन रहा था और हैशटैग में क्या देखा था हम लोगों ने, ईस्ट का पोजीशन बन रहा था, एंड में आपका नॉर्थ का पोजीशन बन रहा था, क्या बन रहा था आपका एंड में आपका क्या बन रहा है और हैशटैग में क्या बन रहा है, देखिए एंड में आपका क्या बन रहा है, एंड में जो पोजीशन बन रहा है वो आपका साउथ का पोजीशन बन रहा है, सॉरी एंड में साउथ का पोजीशन बन रहा है और हैशटैग में ईस्ट का पोजीशन बन रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका टोटल साउथ ईस्ट बन रहा है, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में जो एस का पोजीशन बनेगा वो साउथ ईस्ट बन रहा है। और साउथ ईस्ट कैसे बनेगा, सपोज आपने टी का पोजीशन कुछ ऐसा ले लिया और टी से जब आप एस का पोजीशन बनाएंगे तो वो डायरेक्टली आपका कहां, यहां पर बन रहा है, ये बन जाएगा समझ लीजिए कि आपका साउथ ईस्ट, मतलब आपका एस यहां होगा। आगे आ जाइए हैशटैग, हैशटैग का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, ईस्ट पोजीशन है तो क्यू से जो पोजीशन टी का बनेगा वो ईस्ट बनेगा, ठीक है, क्यू से जो पोजीशन टी का बनेगा वो क्या ईस्ट बनेगा, तो डायरेक्शन आपका क्या बन रहा है, मतलब समझिए क्यू यहां होगा और टी का पोजीशन कुछ ऐसा बन रहा है तभी आपका क्या ईस्ट बनेगा, क्यू से टी ईस्ट है। आर एट द रेट और डॉलर है, एट द रेट और डॉलर का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब वेस्ट है और डॉलर का मतलब क्या है आपका नॉर्थ है, मतलब क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, क्यू के रिस्पेक्ट में आर का पोजीशन नॉर्थ वेस्ट है, मतलब क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट आपका क्या कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर आप आर का पोजीशन बना सकते हैं। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द एस, देखिए एस के रिस्पेक्ट में आर का पोजीशन क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये पोजीशन बन रहा है और ये पोजीशन आपका क्या होगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, समझ जाएगा कि आपका फाइनल जो आंसर वो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा
नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। समझ गए, नॉर्थ वेस्ट आपका यहां पर फाइनल आंसर हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यू एट द रेट क्यू यू डॉलर टी टी हैशटैग एस आर हैशटैग टी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर। एस एंड आर के डिस्टेंस के नतीजे तक पहुंचने के लिए आपको ये फाइनल टैकल करना होगा। फाइनली आ जाइए, एट द रेट का मतलब हम लोगों ने देखा क्या वेस्ट होता था, एट द रेट का मतलब वेस्ट होता था। चलिए वेस्ट होता है ना, क्यू के रिस्पेक्ट में यू का पोजिशन जाना है। क्यू सपोज आप समझिए कि क्यू कुछ पोजिशन ऐसा बन रहा है, यहां पर क्यू है और Q से जब आप U जा रहे हैं तो ये वेस्ट का पोर्शन बन रहा है। डिस्टेंस आपको अभी मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस एट द रेट का जो मतलब दिया गया था वो या तो 2 था या तो 12 था, ठीक है, और यहां पर पोजीशन आपका क्या बन रहा है, कुछ U का बन रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, U का जो पोर्शन है वो T के रिस्पेक्ट में डॉलर बताया गया है और डॉलर हम लोगों ने क्या देखा था, शायद नॉर्थ था। डॉलर का मतलब आपको नॉर्थ दिया गया और 5 या 9 किलोमीटर होगा। चलिए T के रिस्पेक्ट में U का पोजीशन नॉर्थ बन रहा है, मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसा पोजीशन T का होगा तभी आप बना सकते हैं कि ये पोजीशन आपका क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है। ये पोजीशन आपका नॉर्थ बनेगा T के रिस्पेक्ट में, U का पोजीशन नॉर्थ बन रहा है। नॉर्थ के लिए आपको क्या पता था, 5 या 9 किलोमीटर, ठीक है। आगे आ जाइए, टी और हैशटैग एस। हैशटैग का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, ईस्ट देखा था, 2 या 12 किलोमीटर। आ जाइए ईस्ट पे, S के रिस्पेक्ट में T का पोजीशन ईस्ट बन रहा है, ठीक है। T पोजीशन S के रिस्पेक्ट में ईस्ट बनाने के लिए मतलब आपका S कहीं यहां पर होगा और S ये पोजीशन होगा और ये पोजीशन आपको क्या बताया गया था, ईस्ट के लिए 2 या 12 किलोमीटर। फिर आ जाइए R हैशटैग T, T के रिस्पेक्ट में जो R का पोजीशन बन रहा है वो आपका हैशटैग, और हैशटैग का मतलब क्या था, हैशटैग का मतलब आपका क्या बताया जा रहा था, ईस्ट बताया गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा हैशटैग ईस्ट है। अब आर का पोजीशन बनाना है टी के रिस्पेक्ट में ईस्ट, मतलब क्या हो जाएगा, आर को समझ लीजिए कि ये पोजीशन होगा और ये पोजीशन भी आपका 2 या 12 हो जाएगा और यहां पर जो बन रहा है ये क्या बनेगा, आर बन जाएगा। यही आपको बनकर आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जो कि कभी नहीं हो सकता है। देखिए पहला आपको क्या दिया गया, 14, दूसरा 24 है, इस तरीके से जो आपको मेंशनड है। तो देखिए ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, 2 और 12 आपको पता है, मतलब ये तो मे भी हो सकता है ये 2 हो जाए ये 12 हो जाए, या फिर मैं ये हो सकता है कि ये 2 हो जाए ये 12 हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में जो वैल्यू निकलेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है अभी ये भी 12 हो जाए ये भी 12 हो जाए, दोनों भी 12 हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है दोनों भी आपका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2+2 हो जाएगा, 2+2=4, 12+12=24 और यहां पर 12+2=14। तो देखिए 14, 24 और 4 ये वैल्यू तो आपका कभी भी हो सकता है, तो मतलब 14, 24 और 4 ये वैल्यू हो सकता है, लेकिन 16 कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर 16 जो आपका डिस्टेंस है वो कभी भी नहीं होगा। तो समझ गए क्वेश्चन में कि क्या आपको बोलना चाह रहा था, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना था। बस एक तरीके से कोडेड लैंग्वेज में आपको सभी डायरेक्शन का मेंशन था और इसी डायरेक्शन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन टैकल आउट करना था। मे बी आपके लिए सेशन बिल्कुल क्लियर होगा और मुझे उम्मीद है कि आप बैंकिंग अवेयरनेस और पजल्स, मैं पजल्स अगर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पे तो मैं वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आप लोगों को, वेबसाइट के थ्रू भी पजल्स बना सकते हैं, पजल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। और बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल लगाते रहिएगा, 103rd तक आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड कर दिया गया है और डेली पजल्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। वेबसाइट का एड्रेस आपको ये गिवन है और मुझे उम्मीद है कि आप सब यहां से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका स्कोर बेटर होगा, ये मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को। अपने हार्डवर्क पे बिलीव कीजिए और जितना अधिक प्रैक्टिस हो सकता है उतना अधिक कीजिए। और हम सब एक और सेशन के साथ मिलते हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ऐसा करेंगे।